बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए जो कि अलजबरा सीखना चाहते हैं। और अलजबरा में आप सीखेंगे आज सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और अलजेब्रिक इक्वेशन में एक बहुत ही माइनर सा फ़र्क होता है, ये अगर आपको जानना है तो आप इसकी भी वीडियो मेरे लिंक में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और आप उसको देखें और इस चीज़ को समझें। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि है क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट 5a² - 6ab - b² फ्रॉम 7a² + 2ab + 3b². इसको हम वर्टिकल मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड दोनों तरीकों से आपको करके दिखाएंगे, आंसर सेम आएगा। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई से नई मालूमात हासिल हो सके। अब क्वेश्चन मैंने आपके सामने पढ़ दिया था, क्वेश्चन को जब सॉल्व करने लगेंगे तो एडिशन में क्वेश्चन दिया हुआ था तो उसमें तो कोई वो नहीं होता, ऊपर आप कोई भी एक्सप्रेशन। लेकिन जब आप अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नॉर्मल मैथ्स में भी इसी तरीके से होता है कि जो फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन है वो आपने पहले लिखनी है। तो मैं सबसे पहले सॉल्व करने के लिए फ्रॉम के बाद वाली जो एक्सप्रेशन है मैं इसको अंडरलाइन कर लेती हूँ, 7a² + 2ab + 3b² और फिर आप ये फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे इसके नीचे 5a² - 6ab - b². अब आप ये करेंगे भी है क्योंकि आपने माइनस करना है तो यहाँ पर साइन चेंज होंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है यहाँ पर प्लस लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है यहाँ पर प्लस लिखेंगे, और यही साइन जो है वो इस वाले जो नीचे वाली इक्वेशन है उसका साइन अब ये बन गया है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। प्लस 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 होता है 3 + 1 = 4, 4b² साइन जो है वो बड़े वाले का लगाते हैं, बड़े वाले के पास प्लस साइन है तो ये साइन लग गया प्लस का। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है प्लस और ये इसका साइन, प्लस 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 तो 6 + 2 क्या हुआ 8, साइन जो है बड़े वाले का 6ab का जो है वो अब साइन प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे। प्लस माइनस माइनस 7 - 5 2a² और प्लस का साइन यहाँ पर नहीं लिखा जाता, अंडरस्टूड। अब इसको हॉरिजॉन्टल मेथड में करते हैं, क्वेश्चन में वही तरीका होगा, जो सेकंड जो एक्सप्रेशन है वो पहले लिखेंगे फिर माइनस का साइन आएगा और ब्रैकेट में आप ये फर्स्ट एक्सप्रेशन को पूरा लिख देंगे। नाउ सॉल्व करते हैं, इज इक्वल्स टू लगाते हैं, यहां से यहां तक आप एज इट इज कॉपी करेंगे, माइनस तक यहां पर आ गए। ठीक है, अब क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है तो सिर्फ साइन जो है वो मल्टीप्लाई होंगे और साइन ही चेंज जहां हो सकते होंगे। 5a² - - +6ab - - +b² नाउ अब ये टर्म्स जो हैं, जो लाइक टर्म्स हैं उनको साथ लिखेंगे। लाइक टर्म्स का मतलब ये है कि जिनके वेरिएबल सेम हैं, ए स्क्वायर है, अब इसमें जो ए स्क्वायर वाला है वो आपने इसके साथ लिखना है, 7a² - 5ab + 6ab + 3b² + b² लाइक टर्म्स साथ साथ लिखनी, अब लाइक टर्म्स ही सॉल्व होंगी। प्लस माइनस माइनस 7 - 5 - 2a² प्लस 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 6 + 2 = 8ab प्लस 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 3 + 1 = 4b² Now you can compare the answers of both vertical method and horizontal method. You will get the same answer by using any one of your method but you want to apply.